ब्रीफ में सर, हर व्यक्ति को अपना पहला अनुभव जो होता है वो याद होता है। स्कूल का पहला दिन, पहला स्कूल प्रिंसिपल, पहली टीचर, पहला प्यार। इस सदन में जब मैं आया तो मेरे पहले चेयरमैन के रूप में जब मैंने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत करी, मैं सदैव आपको याद रखूंगा सर। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं अपने संसदीय जीवन की शुरुआत करी तो आपका संरक्षण मुझे प्राप्त था। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य भी है सर कि एक ही सत्र सिर्फ आपके संरक्षण में काम करने का मौका मुझे मिला सर। इसी के साथ साथ सर, जिस दिन मेरी ओथ थी उस दिन आपने मुझे एक पंक्चुअलिटी का बड़ा अहम पाठ पढ़ाया था। मुझे याद है करीब 11 बजे का समय था और क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ सुबह पहले गुरुद्वारे गया, मत्था टेका, ट्रैफिक भी था तो आने में मुझे 8-10 मिनट देर हो गई। तब तक शपथ ग्रहण समारोह जो था वो समाप्त हो गया। आप मुड़कर वापस भी चले गए, लेकिन फिर मेरी रिक्वेस्ट पर आप वापस आए। आपने पंक्चुअलिटी का एक पाठ मुझे पढ़ाया और उसके साथ साथ मेरी ओथ भी आपने ही कराई थी सर। इसके साथ साथ बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी भी जो जर्नी रही, जो यात्रा रही, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की यात्रा से मेल खाती है। आप भी जयप्रकाश नारायण साहब के जो एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन रहा उसके एक समिति के अध्यक्ष रहे, हम भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मे, हमारी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, तो एक समानता मैं आपके साथ आपके जीवन से ड्रॉ करता हूँ। इसी के साथ साथ सर, आपकी जो एक जर्नी रही, एक आपकी सर आपकी जो जर्नी रही वो हम सारे युवाओं के लिए खास करके एक प्रेरणा स्रोत है। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर एक विधायक, सांसद, मंत्री और फिर उपराष्ट्रपति के तौर पे आपने अपना सर कार्यभार संभाला। और मैं बस अंत में इतना कहूँगा कि राज्यसभा का पहला सत्र जब 1952 में हुआ तो उस समय के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राधाकृष्णन साहब, उन्होंने एक बात कही थी, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा सर। आई बिलोंग टू नो पार्टी एंड दैट मीन्स आई बिलोंग टू एवरी पार्टी इन द हाउस। इट शैल बी माई एंडेवर टू अपहोल्ड द ट्रेडिशंस, द हाइएस्ट ट्रेडिशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड एक्ट टूवर्ड्स एवरी पार्टी विथ फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, विद इलविल टू नन एंड गुडविल टू ऑल। आपने सर उस सारे शब्दों को सार्थक किया है। मैं आपको अपना सफल कार्यकाल समाप्त करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राघव, मेरे ख्याल से प्यार एक ही होता है ना, एक बार, दूसरी बार, तीसरी, ऐसा होता है नहीं ना? पहला प्यार ही होता है ना? मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ सर, अभी जीवन में इतना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अच्छा होता है सर, जितना समझाया। हाँ, अच्छा, पहला प्यार अच्छा होता है, वही प्यार हमेशा रहना है, जिंदगी भर।